और क्या हाल चाल सबके, ठीक हो? मैं आपका अपना बिट्टू नहीं एक और बार आ गया आप सबके पास। क्यों? क्योंकि यार मैंने सुना जम्मू में आप सबने खप मचा के रखी हुई है। नहीं मतलब आपने नहीं, वो मेरा यार पद्दी आया हा, वो कह रहा था कि जब से अपने डीडीसी इलेक्शन शुरू हुए जम्मू में खप मची हुई है। मतलब और खप मतलब लेटेस्ट कोई किसी को मुजरे वाला बोल रहा है, कोई क्या चल क्या रहा है जम्मू में, मतलब ये सब शुरू कहां से? वो मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पैंथर्स पार्टी को बोल दिया था एंटी नेशनलिस्ट, ठीक है? तो उनको लगा कि चलो मतलब ठीक है पॉलिटिक्स करनी जो भी करनी, लेकिन अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? मनकोटिया साहब जिनकी दम पर बड़ी मतलब ना शायद इनका है ना, अभी मतलब बोल रहे हैं कि मनकोटिया साहब ने पूरी बीजेपी को ड्रा के रख दिया। वो ड्रा के रखा है नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन माजरा क्या चल क्या रहा है कि अब अपने मनकोटिया साहब ने बोल दिया मुजरे वाली, किसको वो भी नहीं पता। मतलब उन्होंने बोला था कि मतलब जो बीजेपी है ना वो मतलब स्टेज पे आने से पहले मुजरे वालों को नचाते, उसके बाद आते पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना बोल दिया। अब जब ये बयान हुआ उस बयान के 10 दिन बाद बीजेपी को याद आया कि यार उधमपुर में इलेक्शन भी होने वाली, कुछ तो करना है, तो चलो फड़ लो मनकोटिया साहब को। उन्होंने बना दिया इशू बोलते मतलब लेडी कार्ड, मतलब यार मतलब इलेक्शन का टाइम है, कोई डेवलपमेंट की बात करो, कोई किसी और चीज की बात करो, नौकरियों की बात करो। कहते नहीं तुमने नारी सम्मान पे बोल दिया, कैसे बोल दिया नारी का कार्ड बोलते। और मतलब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि मुजरे वाली है ये वो, किसको बोला स्मृति ईरानी को, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी स्मृति ईरानी जो क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही वो वाली, बड़ी अच्छी लीडर है, वो अच्छा काम कर रही है, उनको बिल्कुल नहीं बोला। एमन कुटे साहब का इंटरव्यू देखा मैंने, उन्होंने बोला यार मैं ग्राही बंदा हूं, ग्राही बंदा मैंने बोल दिया मुजरे वाली। मुजरे वाली मतलब जो डांस वाले होते हैं, इसमें कोई बड़ी गंदी बात थोड़ी, डांस तो हर कोई करता है। लेकिन फिलहाल उसके बाद क्या खप मच गई? अब बीजेपी वालों ने सोचा कि चलो हमने बोल दिया, मतलब धरने प्रदर्शन कर दिए घरों के बाहर। लेकिन वो प्रिया जराल मैडम आपको अपनी याद होगी, और जिसने खप मचाई थी पहले वो राणा साहब को फड़ लिया था टीचर ऑडिटोरियम में, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की पार्टी के अंदर बीजेपी का सम्मान नहीं होता लेडीज लोडीज का, वो मैडम उन्होंने वीडियो बना के कि जब मैंने पूरे लीडरों के सामने, नेताओं के सामने, पुलिस अधिकारियों के सामने बोला था कि बीजेपी की पार्टी के अंदर नारियों को ऐसे ऐसे किया जाता है फलाना ढिमकाना, वो तो तब तो कोई कख नहीं बोला, आज तुमको नारी सम्मान चेता आ रहा है मतलब इस टाइम पे? क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है, लेकिन मतलब ये जो सब कुछ भी माजरा चल रहा है आप देख लो, पहले चला मतलब गुपकार गैंग, अब गुपकार गैंग ठंडा पड़ गया, अब वो सब कख नहीं है, अब आ गया नया लेडी की लेडीज का, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान आप कैसे बोल सकते हो, और वो भी मतलब जो पहले 10 दिन पहले बयान हुआ था उसके बाद। लेकिन देखो डीडीसी इलेक्शन अभी आधे हो भी गए, बड़ी जगहों पे भी आधे रह गए, ठीक है, अब मतलब किसको वोट देना आपने, किसको वोट नहीं देना, वो आपका खप खाना है, क्योंकि ये जो भी खप खाना मचा के रखा हुआ ना लेडीज कार्ड, मैं तो मागस में हो गया पागल, और रोज नए नए ग्राहक आते मेरे पास कहते जी आज ये चल रहा है, आज मनकोटिया साहब ने बोल दिया, आज बीजेपी के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, आज ये हो रहा है, दूसरी साइड अपने फार्मर्स बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कख नहीं बना, मतलब चल क्या रहा है यार, मैं थक गया हूं कसम से सुन सुन के। लेकिन फिलहाल डीडीसी इलेक्शन के जल्दी से रिजल्ट हो जाए एक बार, ये स्यापा मुक जाए, उसके बाद देखेंगे। मेरे ग्राहक भी आ गए, मैं चलता हूँ, ठीक है।